दिया, थोड़ी चमत्कार दिखा दिया, बोले बाबा ये तो सबसे बड़ा भगवान है, हाँ ये कलयुग का भगवान है। लेकिन हर शास्त्र भी पहले से ही बता देता है भगवान जब हर समय नहीं आते। अगर यहाँ पर बुद्धि आएगा ना, पहले पेपर में अनाश उल्टे हो जाएगा ना, नीच पेपर में आ जाएगा, अमुक फ्लाइट में अमुक समय में यहाँ पर उतरेगा और यहाँ पर आएगा। साधारण एक मंत्री आने के लिए देखो कितने तैयारी होता है, क्या क्या होता है। जब उसी जगत से भगवान कोई अवतीर्ण होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। अवतार मतलब अप्रपंचात, मतलब वैकुंठ जगत से प्रपंच इस माया जगत में जो उतरते हैं, जो वहां से यहाँ पर उतर करके आते हैं। जब यहाँ की लीला खत्म हो जाता है फिर अपना काम खत्म होगा, फिर अपना धाम में चले जाते हैं। कहते इनको, इसलिए उनको अवतार कहते हैं, जो अवतीर्ण होते हैं गोलोक वृंदावन से इसी जगत में जो आते हैं। पहले से ही शास्त्र में वहां पर प्रश्न कर दिया, क्यों जानते हैं कलयुग आएगा तो लोग भ्रमित हो गए, ये अवतार ये अवतार ये अवतार ये भगवान अमुक भगवान, पता नहीं कितने कितने भगवान आ जाते, पर जेल में चले जाते। और शहद का पत्ता है और सार से दूध निकाल देगा, ऐसे 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 करता था भगवान भगवान करता था। अभी वो भगवान जेल में बैठ के सड़ रहा, और भी एक दूसरा भगवान उड़ीसा में पर और एक भगवान निकल गया था, हाँ वो भी जेल में बंद है, सारे के सारे जेल में बंद है। इसलिए कृष्ण का समय में भी एक सिंगार वासुदेव था, उसने चार हाथ लगा लिया, हाँ बोले मैं स्वयं कृष्ण हूँ विष्णु हूँ। भगवान कृष्ण को चुनौती दिया, हाँ आ तो मेरे साथ युद्ध करो, भगवान चक्र वहीं से भेजा, वहीं से गला काट के काट। इसलिए भागवत उसको कहते श्रृगाल वासुदेव, उसे नाम दिया श्रृगाल मतलब सियार। कलयुग में ऐसे जो अपना भगवान कहते भगवान तो सियार है, हैं गिधड़ सबके सब, इसलिए भागवत उसको सियाल वासुदेव बताया। इसलिए कलयुग का लोग भयभीत नहीं हो जाए, इसलिए पहले से ही ये चीज को निरूपण कर दिया भगवान हर समय भगवान नहीं आते है। जैसे अभी कल की अवतार नहीं हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है कल की अवतार कहाँ पर आए, पिताजी का नाम क्या होगा, माँ के नाम क्या होगा, वो कहाँ पर जन्म लेंगे, वो लिखा हुआ है। बोले संभल ग्रामुख ब्राह्मण आत्मना भवन विष्णु जस कल्पित प्रादुर्भविष्य लिखा हुआ है। विष्णु जस का घर में संभल ग्राम में ये भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे, लिखा हुआ पहले भागवत। जो बुद्ध आए, ये बुद्ध जो आएंगे भगवान में लिखा हुआ है, ये बुद्ध देव कहाँ पर आएंगे लिखा हुआ। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु आए, ये सत्ययुग की बात है, क्योंकि उस समय त्रिकाल दृष्टा ऋषि मुनि थे, कब क्या होगा नहीं होगा पहले उनको पता था, ये सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में बता दिया ये श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, सत्ययुग में बता दिया। जब उन्होंने बोले भगवान कौन है और उनको कैसे आराधना करेंगे, तो बताए कृष्ण वर्णम दिशाम अकृष्ण सांग पाग अस्त्र पार्षद जगे संकीर्तन प्राय जयंती जयंती सुमेध सा। मतलब कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं, कहते मूर्खों को नहीं बता रहे, मूर्खों लोग के लिए तो भगवान बहुत है, ये भगवान वो भगवान, मूर्खों लोग के लिए तो बहुत सारे भगवान पड़े हुए हैं। लेकिन कहते जो सुमेध सर मतलब जो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होंगे हैं, वो किसको उपासना करेंगे, बोले कृष्ण वर्णम, कृष्ण मतलब सुंदर है, जिनका वर्ण बड़ा सुंदर है, देख रहे बड़े सुंदर है, हैं वा कृष्ण वर्णम कृष्ण, जो दो अक्षर है जिनको जिहा में हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, जो हर समय कृष्ण को नाम ग्रहण करेंगे, शरीर का अंग कैसे होगा, कृष्ण मतलब कृष्ण नहीं काले नहीं गोरे, हैं
बोले क्या अकेला है? बोले कृष्ण को भी अकल नहीं आती। कृष्ण आए, ताऊ भैया आए, राधा रानी आई, उनके सब सखा सखी ग्वाल ग्वाल पिता आता है, उसी तरह वो अकेले नहीं आएंगे। कहते उनका अंगा, बोले ताऊ भैया नहीं आएंगे। बोले कौन? बोले श्री नित्यानंद है। कहते उनको परिकर को साथ निकले। कहते अस्त्र किया था, त्रेता युग में अस्त्र था धनुष, द्वापर युग में था उनकी चक्र, कलयुग में अस्त्र, कलयुग में जो अस्त्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। अस्त्र से क्या करते हैं? हम काटते हैं, अस्त्र से मारते हैं। कहते हैं कलयुग में वो किसको मारेंगे नहीं, ऊपर से तो मारेंगे नहीं, लेकिन अंदर से मार लेंगे। अंदर में हम द्वापर और त्रेता युग बाहर का शत्रु को तो मारे है, लेकिन कलयुग में क्या करेंगे? हमारे अंदर में जो शत्रु बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर, इसको ये कैसे मारेंगे? ये हरि नाम संकीर्तन के द्वारा क्या होगा? काम क्रोध लोभ इसको मारेंगे। क्योंकि इसलिए ये अस्त्र धारण नहीं करेंगे हम, तक राम ने मारे, लेकिन भैया सीता किसको मारे? जो माँ है ना वो बड़ी दयालु होती है, माँ बड़ी कृपा, माँ माँ बड़ी माँ क्या मतलब भैया कुछ खिलाए। और पिताजी बोलते ना मुँह बंद हो जाए, क्योंकि जो खिलाने वाली घर कौन है? माँ खिलाती है। इसलिए वो माँ होने का नाते वो बड़ी दयालु बड़ी कृपालु राधा रानी, बड़ी कृपालु करुणा करुमयी करुणा मयी, वो करुणा की मूर्ति। इसलिए कलयुग में राधा जी की महापंगता से लेकर के आएंगे, राधा रानी तो बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु। इसलिए प्राण कारण ना मारेंगे, लेकिन प्राण से इसी को मारेंगे नहीं, लेकिन अंदर से मार मारेंगे जो काम क्रोध लोभ को, इसको खत्म करके उन्होंने प्रेम में त्रेता युग में द्वापर युग में मारे। हाँ उनको तो मुक्ति मुक्ति दिया, लेकिन बाद लेकिन कलयुग में उन्होंने उसी जीवन में ही जगाई बताई, पापी थे लेकिन उनको उसी जीवन में उनको दिखा दिया, उनको कृष्ण प्रेम उसी जीवन में भगवत प्राप्त करा दिया, लेकिन दूसरे दूसरे मार दिए, लेकिन मुक्ति तो हुई नहीं, कृष्ण प्रेम है। लेकिन कलयुग में बोले जगह संकीर्तन प्राय जनती, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ तो द्वारा भगवान को आराधना करेंगे, संकीर्तन ही यज्ञ है। चमच को दरा भीम की भाव को दरा जब कानों में डालोगे फिर हृदय से जो कृष्ण प्रेम प्रकट होगा यही अग्नि है, यही अग्नि है। इसलिए कलयुग में भगवत नाम करनी चाहिए, लेकिन अभी नाम कैसे करनी चाहिए? नाम तो हमको कैसे करनी चाहिए? नाम की क्या क्या विचार है प्रभु जी? जैसा कि महाराज जी ने कहा और प्रभु जी ने भी बताया नाम तत्व के बारे में, सबसे पहले
जैसे प्रभु जी ने एक शब्द बोला कि नाम क्या है, अप्राकृत, इससे क्या समझ में आया, क्या समझ में आ रहा है अप्राकृत शब्द का मतलब क्या है? दो शब्द, एक है प्राकृत और एक है अप्राकृत। तो प्राकृत और अप्राकृत से पहले हम समझे क्या, तो शब्द का एक अर्थ होता है ना, जब तक उस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा, और जिसके साथ अब ये विशेषण है, विशेषण क्या होता है, किसी भी संज्ञा का बारे में अच्छे से उसको बताए कि ये क्या चीज है। तो अप्राकृत और प्राकृत ये दो शब्द हैं, ये शब्द पहले दो समझ लें। प्राकृत शब्द बना है प्रकृति से, किससे बना है, प्रकृति, इस जड़ माया से। कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं ये तो हमें पता है, कौन कौन से तीन गुण है, सत्व रज और तम, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इस प्रकृति के तीन गुणों में जो भी चीज आती है कार्य करती है वो क्या है, प्राकृत। जैसे कि सत्वगुण क्या करता है, रजोगुण क्या करता है और तमोगुण क्या करता है। तो रजोगुण की विशेषता है सृष्टि करना। तो ये रजोगुण को कौन धारण किए हुए हैं, ब्रह्मा जी, तभी क्या कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे। तमोगुण की क्या है, विनाश करना, किसने धारण किया हुआ, शिव जी, क्या कर रहे हैं, विनाश। और सत्वगुण क्या है, स्थिति पालन करना। तो क्या हो गया, रजो सतो और तमो, क्या हो गया, सृष्टि स्थिति प्रलय। तो इस संसार में हम कोई भी वस्तु देखते हैं वो इन्हीं तीनों में चीजों में ही चल रही है, उसकी सृष्टि हुई है, कुछ समय के लिए रहता है मतलब स्थिति रही है, और फिर विनाश हो गया, प्रलय हो गया। आज तक कोई ऐसी वस्तु है इस संसार की जो जैसी बनी थी वैसी की वैसी, ये मठ भी जो हम देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ईंट पत्थरों से जो बना है, ईंट पत्थरों की बात कर रहे हैं, जड़ वस्तु की देखना, ये बना है और धीरे धीरे एक एक एक, एक स्थिति चल रही है, पर साथ ही साथ ये विनाश की तरफ जा रहा है, हर ईंट पत्थर विनाश की तरफ जा रहा है। हम होते ना कोई सामान लाते हैं घर में और फिर अचानक से डांट भी खाते, ये तोड़ कैसे, अरे वो तो टूटने के लिए बना है, जो चीज बनी है जगत के टूटने के लिए। तो प्रकृति प्राकृतिक वस्तु कहने से मतलब है इन तीन गुणों के अंदर ही आएगी, उसकी सृष्टि हुई है और किसी ना किसी दिन विनाश होना ही है। अब अप्राकृत पे आ जाते हैं, तो अप्राकृत वस्तु क्या हुई जो इन तीनों गुणों से बाहर है, क्या हुआ, इन तीनों गुणों से बाहर, निर्गुण, मतलब कोई ये तीन गुणों से नहीं है, इसका एक और नाम क्या, निर्गुण भी कह देते हैं, अप्राकृत कह देते हैं, इनमें वस्तु कह देते हैं। तो ऐसे ही क्या कहा, भगवान और भगवान से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, भगवान से संबंधित सब क्या है, अप्राकृत निर्गुण, उन पे प्रकृति के ये तीन गुण कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही नाम क्या है, कहा गया ना नाम नामी में कोई भेद नहीं है, तो ये नाम अप्राकृत वस्तु है, कभी भी ये नहीं समझेंगे, ये बुद्धि नहीं लाएंगे कि ये प्राकृतिक है, इसी जगत का है, क्यों, नाम की कभी कोई सृष्टि नहीं हुई, ना इसका विनाश होने वाला है, नाम भगवान की तरह ही चिन्मय है, स्वयं भगवान ही है। कि हमें समझना पड़ेगा कि नाम नामी से अभिन्न है, बिल्कुल इसी इसी भाव से और इसी बुद्धि से हमें अभी नाम करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न और आ जाता है, भाई प्राकृत अप्राकृत वस्तु नाम है, हमारी इंद्रियां क्या है, प्राकृत है, हम कैसे, हमारा शरीर कैसा है, ये जो शरीर है, ये जो मिला है, ये क्या है, प्राकृत है। तो एक और विचार हमने श्रवण किया है कि अप्राकृत वस्तु ना ही होए प्राकृत गोचर, मतलब अप्राकृत वस्तु की प्राप्ति इस प्राकृत देह से नहीं हो पाएगी, इंद्रियों से नहीं हो पाएगी। क्या हम इस नेत्रों से भगवान के दर्शन कर पाएंगे, तो भगवान ने क्या किया, क्या किया, विग्रह रूप में अवतार ले लिया, लोग तुम इसके दर्शन करो, इसकी सेवा करो। वैसे ही जो इन अप्राकृत इंद्रियां हैं, जो हमारी प्राकृत इंद्रियां हैं, इसके कल्याण के लिए इस कलयुग में भगवान ने क्या किया, विशेष रूप से नाम रूप में अवतार लिया। क्या है कि नाम रूप में अवतार लिया है, अपनी सारी शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्ता नियमित स्मरण, महाप्रभु स्वयं इस लोक में कह रहे हैं
कि हे प्रभु आपने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में डाल दी। क्या कर दिया है? अपनी सारी शक्तियां इस नाम में डाल दी है। तो ये नाम कैसा है? सर्वशक्तिमान, कुछ नहीं दे सकता है। पर इंद्रियां क्या है हमारी? प्राकृत है। तो इतना कल्याण किया कि इस प्राकृत इंद्रियों से भी तुम नाम रूप जो भगवान का नाम रूप है इसकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हो। और इसी से ही हमारी जो प्राकृत इंद्रियां हैं उसकी सफाई हो के जो हम आत्म रूप में स्थित होंगे और अप्राकृत इंद्रियां हो जाएंगी हमारी। और फिर यही जो नाम है, अब देखो कैसे कर रहे हैं हम, क्या देखते हैं? ह र, उस पे की मात्रा है, क है, नीचे आधा र लगा है, आधा श है, ला है, ये है क्या? अब तो देखेंगे जड़ बुद्धि से तो अक्षर है, और ये अक्षर कृष्ण हो जाता है। तो वो कहां से कृष्ण है? वो कहां से कबूतर नहीं है। और ये विश्वास, जैसे महाराज जी ने कहा ना कि जो मन रूपी घी के साथ, जो हमारा हृदय रूपी और मन भाव रूपी जो घी है, तो वो हमें देना पड़ेगा कि हमारा भाव क्या है। हाँ, ये क्या है? ये जड़ शब्द नहीं है, ये क्या है? ये वो अप्राकृत नाम है। तो उस बुद्धि से जब हम इस नाम को करते हैं ना, तो वो हमारी प्राकृत इंद्रियों की भी शुद्धि कर देता है। कैसे? जिह्वा है, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, कौन कौन सी है? आंख, नाक, चक्षु, मुख, पांच। हाँ, देखो आंख, नाक, चक्षु। आंख और चक्षु में क्या फर्क है? एक आंख होती है, एक चक्षु होता है ना? दो आंख, एक आंख, एक चक्षु। इसको ये छोटी सी चीज है, ये हमारे बारे में कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई ना, इसलिए याद नहीं। ऑर्गन ऑफ द बॉडी तो सिखाया, पर डिफरेंशिएट करके नहीं सिखाया कि क्या कर्म इंद्रियां हैं, क्या ज्ञान इंद्रियां हैं, क्या इनके विषय हैं। हम ये जो शरीर है मेरा, हमारा किससे बना हुआ है? 24 तत्वों से। 24 तत्व कौन से हैं? इसकी नॉलेज कहाँ से मिलेगी? गौड़िया में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं। कहाँ से मिलेगी? गौड़िया में। अपने बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगी? गौड़िया में। इसलिए आना ही पड़ेगा, कथा सुननी ही पड़ेगी। तो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा। इससे हम क्या करते हैं? ज्ञान इंद्रिया जो कहते हैं, इनसे हम ज्ञान लेते हैं, किसी भी वस्तु का ज्ञान लेते हैं, किसी चीज को स्पर्श करके ज्ञान लेते हैं, किसी चीज को देख के ज्ञान लेते हैं, किसी को सुन के लेते हैं, किसी को सूंघ के लेते हैं, किसी को चख कर स्वाद लेते हैं। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियों को देखो भगवान की सेवा में हम कैसे लगा सकते। जिह्वा से भगवान का नाम, सामने हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर लगाओ, देखो, पढ़ो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंखें क्या? अच्छे पर सेवा में लग चुकी है, क्या नाम चल रहा है, जोर से बोल रहे हैं, आंखें लग गई हैं। कान कहां पे गए? कान को भी इसी में लगा दो कि जो पढ़ रहा हूं, जो बोल रहा हूं, वही सुन रहा हूं। त्वचा क्या कर रही है? तुलसी स्पर्श कर रही है, माला कर रही है, ठीक है ना। और नासिका तो बोलोगे सेवा में नहीं लगी, अरे सांस भी तो ले रहे, एक सांस का सांस चल रही है। ये सारी पांचों ज्ञान इंद्रियां अब हमने भगवान की सेवा में लगा दिया। अब क्या है? अच्छे से करते ध्यान जाएगा, मन तो भागेगा यहां से वहां, पर फिर वापस ले आओ। अरे सामने क्या लिखा था? सामने मेरे को तो सामने देखना है, ये जो सामने स्पीकर लगा इसके भगवान का नाम लिखा है, भगवान का नाम, नाम ही अभिन्न है। इस तरीके से मैंने, हमने भी ऐसे ही, जब मैंने भी खुद ऐसे देखा करके, हमें भी वैष्णव गुरु वैष्णव की जब कृपा से इस पद्धति से कहा गया कि शुरू में ऐसे करके देखो, मन नहीं भागेगा, वाक्य में महसूस किया कि हाँ कुछ फर्क पड़ रहा है। नाम में रुचि तो आएगी नहीं। एक पीलिए के मरीज को उसके मुंह में गुड़ का पूरा ढेला डाल दो, उसको क्या लगेगा? रेत डाल दिया मैंने, या कड़वा लगेगा? फीका भी नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। तो अभी मुझे कैसा लग रहा है? ना बहुत मीठा है ना, मीठा लग रहा है। एक बार नाम लिया और बस मन ही नहीं कर रहा है छोड़ने का, ऐसा लग रहा है। या ऐसा लग रहा है कि जैसी 16 माला पूरी हुई, माला उठा के ऐसे टांगे जैसे बिच्छू पकड़ रखा, डंक मार रहा था इतनी देर से, उठा के मैंने रखा है,
वो जिंदगी सांस लिए बच गए नहीं आज का काम तमाम और फिर टेंशन यार कल कैसे करेंगे और ये तो 16 वाले तो चलो ठीक है किसी ने बड़ा तगड़ा नियम दे रखा है 64 यार आज की हो गई अब कल कैसे करेंगे कल की प्लानिंग चल रही है तो देखो जब हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं ना तो नाम भी प्लानिंग से करते अभी वो शुद्ध नाम तो आ नहीं रहा मेरा तो मुझे ऐसा प्रयास करना पड़ेगा ना कि कम से कम इस तरीके से करूं कि नाम प्रभु भी देखे ये चेष्टा कर रहा है क्योंकि तो हमारे को क्या है जो हमने दामोदर अष्टकम में जब वो पढ़ा था दो उंगलियां छोटी रह गई थी रस्सी वो क्या थी दो उंगलियां एक थी चेष्टा कृपा और दूसरी थी क्या कृपा कृपा और कृपा शब्द का अर्थ क्या कृपा कर तो कुछ तो करना पड़ेगा ना चेष्टा तो करनी पड़ेगी फिर मिलेगा तो यही चेष्टा करनी है कि नाम प्रभु को रिझाना है हमारा काम क्या है नाम प्रभु को रिझाना ठीक है नाम प्रभु को कैसे रिझाएंगे देखो जैसे मैं अपने घर वालों को रिझाने के लिए लगा हुआ हूँ संसार में सभी को रिझाने लगा हूँ कैसे रिझा रहे हो टाइम से खाना देते हो ना नाश्ता कभी 2 बजे तो नहीं दे दोपहर को कभी रात का खाना दोपहर को 2 बजे खिला दिया कि ले भैया ये डिनर है लो रात की मेरी छुट्टी कभी ऐसा किया है और अगर माता बहने ऐसे करने लगी तो घर में क्या हो जाएगा कलेश उनको रिझाने में लगे समय से सब कुछ तो ऐसे नाम को कोई नहीं समय दिया नाम को हमने क्या वास्तविक रूप से मैंने एक शेड्यूल बनाया है नाम करने का कि भाई 3 से 6 मेरा नाम है दोपहर को 2 से 4 मेरा नाम है और शाम को संध्या को 7 से 8 मेरा नाम ऐसा बनाया शायद तो एक शेड्यूल क्यों नहीं बनाते हैं एक शेड्यूल बना के चलेंगे नाम प्रभु रिझ जाएंगे अरे वाह इसने ये टाइम मुझे ही दे दिया वो भी तो देख रहे हैं ना चेष्टाएं देख रहे हैं गुरु वैष्णव लोग भी चेष्टाएं देख रही देखो शुद्ध नाम नहीं निकल रहा ये हमें पता है मुझे भी पता है मेरा शुद्ध नाम नहीं निकल रहा पर चेष्टा तो मैं शुद्ध कर सकता हूँ ना अपनी तरफ से मोबाइल बंद कर दिया जो रिश्तेदार आए बाकी सब उनको हाथ जोड़ लिया कि ये समय मेरा नाम का है मुझे क्षमा कर देना आप आगे बैठिए कोई दिक्कत नहीं है बैठे रहिए पर मैं अपना नाम कर रहा हूँ कुछ कुछ तो मेहनत करें अपनी तरफ से इसी तरीके से रिझाएंगे और फिर किस पद्धति से करेंगे बोलिए सामने हरि नाम रखा है लिखित रूप में हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं देख रहे हैं ये प्रोसेस फिर साथ ही साथ एक प्रश्न कई बार हमारे पास आया प्रभु जी मेरी माला तो 10 मिनट में होती है प्रभु जी मेरी 4 मिनट में हो जाती है प्रभु जी कौन सही है तो नाम जैसे अभी हमने श्रवण किया नाम क्या है भगवान स्वरूप है अपनी कृपा से ही आता है तो जैसे भी आता है आने दो पर एक चीज का ध्यान रखेंगे ये विचार हमने वैष्णव से श्रवण किया इसलिए बता रहे हैं गाड़ी चला रहे हो 20 की स्पीड में बाइक चला रहे हो कैसे चलेगी 20 की स्पीड में चला रहे 10-20 की स्पीड में मजे से 2 बाइकें चल रही हैं 3 बाइकें चल रही हैं 20 की स्पीड में आपस में बात कर सकते हो कर लोगे तो बहुत स्लो चल रही है हाँ यार ये वो और कभी कभी देखा है कि भिड़ गई क्योंकि इतने सहज हो गए हैं इतने सरल मान लिया है बाइक की स्पीड स्लो है ना चल रही है और अभ्यास कर लेंगे और यही बाइक की स्पीड 100 पे हो तब कितनी बात करते हो या 120 की स्पीड पे 2 बाइक 120 की स्पीड में जाते हैं तो कहते हो और यार कैसा है बढ़िया है घर चल रहे हैं खाना खाएंगे कर सकते हो नहीं और उसमें एक्सीडेंट के चांस कितने हैं बहुत ज्यादा एक हल्का सा स्पीड ब्रेकर आया और बाइक उड़ते हुए कहां गिरी पता भी नहीं चला तो इसलिए हम क्या करते हैं बाइक को एक ऑप्टिमम स्पीड पर चलाते हैं कि भैया घर आराम से पहुंचना है जो बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं उनके शो ऑफ करने वालों की बात नहीं कर रहा रोड पे तमाशा करते हुए जाते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा बाइक को एक अच्छी स्पीड पे चलाएगा जिसमें उसको फ्यूल की एफिशिएंसी भी मिले और बाइक एक अच्छी स्पीड से चले समय पे वो घर भी पहुंच जाएगा और एक अच्छी स्पीड से तो जब अच्छी स्पीड पे होती है ना 60-70 की भी तो आप क्या करते हो रोड की तरफ ध्यान देते हो बाइक का हैंडल अच्छे से पकड़ते हो ऐसे ही माला भी एक प्रॉपर स्पीड में करनी पड़ेगी हमें हरिनाम एक अच्छी स्पीड में करना पड़ेगा ऐसे नहीं हरे कृष्णा मन को पूरा समय दे रहे हो यहां वहां जाने का दे नहीं रहे वो मन भी स्वभाव
ये चीज हमें वैष्णव से थोड़ा सा सीखे, इसलिए बता रहे हैं ये क्या है। हमने मन को पूरा समझा तो एक अपने लिए देखो, ये आपको अपने लिए, ये सबकी अपनी अपनी होगी। कि जैसे मान लो मैंने किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब ये क्या है, मुझे डर लग रहा है कि अब मैं थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो प्रभु जी ने एक चीज बताया था ना, व्यवधान, व्यवधान क्या होता है, हम नाम खा जाए, भूख लगने दे कई बार।